लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले एनडीए और भाजपा को झटका लगा है। गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में महागठबंधन का हाथ थाम लिया। हालिया समय में एनडीए से उसके कई साथी दूर हुए हैं। आज इसमें रालोसपा का नाम भी जुड़ गया। गुरुवार को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अहमद पटेल, शक्ति सिंह गोहिल, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, शरद यादव सहित कई नेता मौजूद थे। इन्हीं की मौजूदगी में कुशवाहा ने महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरा अपमान हो रहा था, इसलिए ऐसा फैसला लिया। 2019 चुनाव से पहले ही भाजपा और एनडीए को कई झटके लग चुके हैं। इसी साल मार्च में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की अनदेखी का आरोप लगाकर एनडीए से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद से वह कांग्रेस के काफी नजदीक आ गए। भाजपा के खिलाफ महागठबंधन में वे भी एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभर रहे हैं। भाजपा विरोधी तमाम मंचों पर वे नजर आ चुके हैं। पिछले कुछ समय से शिवसेना भी भाजपा से नाराज चल रही है। उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कई बार संकेत दिए हैं कि आगामी चुनाव में वे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लोकसभा उपचुनाव में भी दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पार्टी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला जाता है। इन सब के बावजूद अमित शाह का कहना है कि 2019 चुनाव में वो दोनों साथ होंगे। अब पार्टी को तीसरा झटका लगा है रालोसपा के रूप में। गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा बिहार के महागठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरा अपमान हो रहा था, नीतीश कुमार ने मुझे अपमानित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वो जो कहते हैं जरूर करते हैं। कुशवाहा ने कुछ समय पहले ही मंत्री पद छोड़ा था, फिर एनडीए छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। भाजपा के सामने मुश्किलों का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। उनके बेटे चिराग पासवान ने बयानों का सिलसिला जारी करते हुए भाजपा को चिंता में डाल दिया। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए नाजुक दौर से गुजर रहा है, भाजपा के सहयोगी दलों को यह बात समझनी चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर दबाव बढ़ाया। मामला इस कदर गंभीर हो गया कि शाह ने रामविलास और चिराग दोनों से मुलाकात की। अमर उजाला.com